नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। भारत में नृत्य की जड़ें प्राचीन परंपराओं में हैं। हमारे देश में नृत्यों की विभिन्न विधाओं ने जन्म लिया है। इन्हीं में से एक है कालबेलिया। राजस्थान की एक बेटी लोक नृत्य की इसी सौगात को पूरी दुनिया से साझा कर रही है। जिस बेटी को पैदा होते ही बोझ मानकर मौत के मुंह में ढकेल दिया गया था, आज वही बेटी देश का नाम रोशन कर रही है। कैसे, देखिए आज की कहानी। तो मेरे शाम के 7 बजे जन्म हुआ धनतेरस को, और जो जन्माने वाली जो औरतें हैं वो ले जाकर मेरे को जमीन में गाड़ दिया उन्होंने जिंदगी। 7 भाई बहनों में सबसे छोटी इस बेटी की सांसें थमने ही वाली थी कि माँ की ममता जागी। प्रसव पीड़ा के दर्द से कराहती माँ ने कलेजे के टुकड़े को मिट्टी के टीले से बाहर निकाला और माँ का सारा दर्द दूर हो गया जब देखा कि मासूम की सांसें चल रही थी। मौत के मुंह से निकलकर माँ की गोद में आने वाली ये बेटी एक दिन राजस्थान की बेटी बनेगी, ये माँ ने भी नहीं सोचा था। लेकिन राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के 165 देशों में पहुंचाकर इस बेटी ने माँ को हमेशा के लिए अमर कर दिया, और आज भी बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए वे प्रयासरत हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो कला है ये जिंदा रहे और हर एक लड़की में जिंदा रहे। ये डांस का नाम ही गुलाबो है, और नहीं हमारे ये कालबेलिया का डांस है, ये सपेरा डांस है। मैं सांपों की जगह डांस करती हूँ, और ये हमारे समाज में पहला लड़की हूँ मैं जिस ये डांस को स्टार्ट किया। जी हाँ, राजस्थान के कालबेलिया यानी सपेरों की खानाबदोश जाति की ये वही गुलाबो है जिसके कालबेलिया नृत्य ने राजस्थान के सांस्कृतिक वैभव को दुनिया भर में पहुँचाया है। आयोजन छोटा हो या बड़ा, हर मंच पर गुलाबों की उपस्थिति सालों सालों तक राज्य के सरकारी आयोजनों की जरूरत रही है। पर्यटन विभाग की विदेशी सांस्कृतिक यात्राएं गुलाबों के बिना पूरी नहीं होती थी, तो कालबेलिया नृत्य की राजस्थान में पहचान भी गुलाबों की ही देन है। यही वजह है कि जयपुर राज परिवार के पूर्व महारानी गायत्री देवी ने गुलाबों को राजस्थान की बेटी कहा, तो देश के हुक्मरानों ने भी खूब सराहा। उस टाइम में अमेरिका वाशिंगटन जाके आई थी 85 में, फिर उसके बाद में वापस आई। वहाँ पे राजीव गांधी मिले, मेरे धर्म के भाई बने वहाँ पे, और लता जी का भी आशीर्वाद मुझे वहीं मिला। डांस देख के कहा कि बेटा तू बहुत बड़ी कलाकार बनेगी, बहुत स्पेशल बनेगी, तो मुझे बड़े गुणी लोगों के वहाँ पे आशीर्वाद भी मिला। और आज तक मैं 165 कंट्री में जा चुकी हूँ, और 85 से आज तक मैं दौड़ ही रही हूँ, रुकी नहीं हूँ मैं अभी तक। गांव और कस्बों में सांप दिखाकर बीन बजाने वाले पिता के साथ रहते हुए इस बच्ची ने भी थिरकना सीखा था, और 12 साल की उम्र में जब पर्यटन विभाग ने गुलाबों का नृत्य देखकर मंच पर आमंत्रित किया तो पिता के सामने बड़ी चुनौती थी। बढ़ती उम्र के साथ कार्यक्रमों का सिलसिला भले ही कम हो गया हो, लेकिन कालबेलिया नृत्य और समाज को जिंदा रखने में उनकी सक्रियता उन्हें एक नृत्यांगना से समाज सेवा की तरफ ले जा रही है। गुलाबों का योगदान बॉलीवुड के किसी भी बड़े सितारे से कम नहीं है, बस जरूरत एक नजर की है। भविष्य के भारत का नया चेहरा बन रही ये बेटी देश का स्वाभिमान है, और हमें इन पर अभिमान है। तो गुलाबों ने साबित कर दिखाया कि लगन हो और धैर्य हो और साथ ही परिश्रम भी, तो कामयाबी जरूर हासिल होती है। कल आपको मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश की एक ऐसी ही बेटी से जिसने बेटियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए रेड ब्रिगेड तैयार की। बस आप देखते रहिए अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।